बस खेला आईनी से। चीनू तुम क्या कर रही हो? देखो मीनू, मैंने यह आकृति बनाई है। ओह, यह तो सचमुच बहुत सुंदर है। क्यों बस, है ना? हाँ, यह बहुत सुंदर है। पर इनमें यदि हम फूलों के जैसे रंग भरें, तो और भी सुंदर लगेगी। बस को तो हमेशा फूल और उनका रंग ही याद रहता है। लेकिन चीनू, बस ठीक कह रहा है। आओ इसमें रंग भरे, सुंदर लगेगा। ठीक है, मैं इसमें रंग भरता हूँ। इसमें लाल फूल जैसा रंग भरो। बस भी करो बस, चीनू को अपने आप रंग भरने दो ना। ओफो, बस तुमने तो भिन भिन करके मेरा कागज खराब करवा दिया। मेरे रंग भी बिखर गए। कोई बात नहीं चीनू, मैं कागज पर गिरी रंग की बूंद से भी सुंदर डिजाइन बना सकती हूँ। वह कैसे? देखो, जहाँ कागज पर रंग की बूंद गिरी थी, वहाँ से मैं कागज को मोड़ती हूँ। और इसी बीच में से यू दबा देती हूँ। और जब मैं इसको खोलती हूँ, तो देखो इसमें एक डिजाइन तैयार हो गया है। यह तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, बिखरे हुए रंग की बूंद से कितना सुंदर डिजाइन बना है। क्या मैं भी एक ऐसा डिजाइन बनाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं इस कागज को ऐसे मोड़ता हूँ। और ये खोलता हूँ। अरे यह क्या, इसमें डिजाइन तो बना ही नहीं। मैं रंग डालना ही भूल गया। बस इस कागज के बीच की रेखा में रंग की एक बूंद डालकर फिर से मोड़ो। ठीक है, अब देखते हैं। बस ने कितना सुंदर डिजाइन बना दिया। देखा, जिस प्रकार रंग कागज के बीच इस तरफ फैला है, वैसे ही उस तरफ है। इसका मतलब यह आकृति बीच की रेखा के दोनों तरफ एक समान है। समान होने का कैसे पता चलेगा? यह तो बिल्कुल ही आसान है। इस आकृति को हम इस प्रकार काट सकते हैं कि इसके बिल्कुल एक समान दिखने वाले टुकड़े हो जाएं। फिर तो वे टुकड़े एक दूसरे को पूरी तरह से ढक भी लेंगे। सुनो सुनो मीनू, क्या इस पत्ते के भी हम इस प्रकार के दो समान भाग कर सकते हैं? क्यों नहीं। देखो, इस पत्ते को इसकी बीच की रेखा के पास से मोड़ देती हूँ। अब देखो,
ये तो दोनों भागों ने एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लिया। हाँ बस, इसका मतलब इस पत्ते के इस बीच की रेखा के दोनों ओर के भाग समान है। अब तो मैं भी समझ गया। अच्छा, तो फिर तुम दोनों अपने आसपास से ऐसे चित्र या आकृतियां ढूंढकर लाओ जिनके तुम दो समान भाग एक रेखा खींच कर बना सकते हो। मैं यह रंगीन वर्गाकार कागज लाया हूँ। मैं इसके आमने सामने के शीर्ष मिलाकर दो समान भाग कर सकता हूँ। ये इस प्रकार होगा। अब इसे इस रेखा के पास से मोड़ कर देखो। अरे, दोनों भागों ने एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लिया। इसका मतलब तुमने इस वर्गाकार कागज के दो बराबर भाग कर दिए। बहुत अच्छे, लेकिन बस कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मीनू। मैं एक फूल का चित्र लाया हूँ जिसे चीनू ने एक मोटे कागज पर काटा था। तुम्हें तो फूल और शहद ही पसंद है। चीनू, बातें छोड़ो और बास को एक रेखा से इसके दो समान भाग करने दो। इस फूल में छह पत्तियां हैं, इसीलिए इसमें यहाँ से रेखा खींचने पर दो आधे भाग हो जाएंगे। अब इसको यहाँ से मोड़ कर देखो। ये लो, दोनों भागों ने एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लिया। बहुत अच्छे, बस बिल्कुल ठीक। चीनू, तुम अब क्या कर रहे हो? मीनू, मेरे पास यह एक दूसरा आयताकार कागज है। इसके शीशों को मिलाकर मैंने इसके दो समान भाग किए। तुमने ठीक किया। लेकिन मीनू, जब मैं इसको बीच की रेखा से मोड़ता हूँ तो ये एक दूसरे को पूरा नहीं ढकते। मैं इसके बारे में तुम्हें बताऊंगी, पर बस कहाँ है? वह सामने उस आईने से खेल रहा है। बस इधर आओ, मैं तुम्हें आईने का एक खेल सिखाती हूँ। आईने का खेल? सचमुच बहुत मजा आएगा। चीनू, देखो, यहाँ मैं आईने के सामने हूँ और एक और बस आईने के अंदर है। हाँ बच्चों, आईने में एक गुण होता है कि यह सामने रखी वस्तु को अपने भीतर उसी तरह दिखाता है जैसे कि वह होती है। यह तो मुझे भी पता है। मैं विद्यालय जाने के लिए आईने के सामने ही तैयार होता हूँ। तब ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार करती हूँ, तब तक तुम लोग खेलो। ठीक है दादी माँ। अब बताओ ना मीनू, इस आयताकार आकृति के दो समान भागों ने एक दूसरे को क्यों नहीं ढका? यह ठीक है चीनू, तुमने इसके दो समान भाग किए, लेकिन ये दो समान भाग अलग तरह के हैं और वर्ग के दो समान भाग अलग तरह के हैं। वो कैसे? इसके लिए मैं इनके बीच की रेखा पर एक आईना रखती हूँ।
यह मैंने वर्ग को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा पर आईना रख दिया। अब इसे देखो। आधे भाग पर रखने पर भी आईना इस भाग को पूरा कर देता है। और मेरी इस पत्ती पर रखने पर भी? अरे, इस आईने को मेरी पत्ती के बीच में रखने पर पत्ती की आकृति को भी पूरा कर दिया। सचमुच यह जादू है। ये कोई जादू नहीं है बस। अब हम इसी आईने को उस रेखा पर रखते हैं जिससे चीनू ने आयताकार कागज के दो समान भाग किए थे। ठीक है, अब देखो। क्या वह ऐसी ही आकृति बनी जैसे पहले थी? नहीं, अब मैं समझा। इसके दोनों भागों ने एक दूसरे को पूरा क्यों नहीं ढका? हाँ चीनू, बिल्कुल ठीक समझे। जिन आकृतियों को बीच से मोड़ने पर दोनों भाग एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेते हैं, उनका कोई एक भाग आईने के आगे रख दिया जाए तो वह पूरा चित्र बना देगी। अच्छा, हम अभी एक खेल खेलते हैं। हमारे खेल में हम दो भागों में बटे हुए ऐसे चित्र या आकृतियां छांटेंगे जिन्हें आईने के सामने रखने पर वे पूरी हो जाएं। अरे वाह, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, मैं चीनू से शुरू करती हूँ। ये मेरी ड्राइंग की पुस्तिका का पहला चित्र है। चीनू, तुम इसे ध्यान से देखो। इसमें रेखा के स्थान पर आईना रखने पर भी यह पूरी ही दिखाई देगी। बिल्कुल ठीक। अब बस की बारी है। तुम बताओ, इसका आधा भाग आईने के सामने रखने पर पूरा दिखाई देगा? मैं सोचता हूँ। हाँ, यह पूरा चित्र दिखेगा। ओ बस, तुम भी समझदार होते जा रहे हो। अब मेरी बारी। ठीक है चीनू, तुम्हारे लिए मैंने दादी माँ का चश्मा बनाया है। तुम बताओ, इसके बीच की रेखा पर आईना रखने पर ये पूरा दिखेगा या नहीं? हाँ, यह दिखेगा। बिल्कुल ठीक बताया। तुम यह करके भी देख सकते हो। मैं तुम्हें ऐसा करते हुए देखता रहूंगा। चीनू, तुम्हारा जवाब तो बिल्कुल ठीक था। अच्छा, अब यह देखो। मेरी पुस्तिका में एक गेंद का चित्र है। ये इसके दो समान भाग हैं। मैं इसमें यहाँ से इसको दो समान भागों में बांटने वाली रेखा खींचती हूँ। इस रेखा के ऊपर रखने पर क्या आईना इसका पूरा चित्र बनाएगा? हाँ, बनाएगा। तुम बिना सोचे समझे उत्तर देने की जल्दी करते हो। बस, चीनू ठीक कह रहा है, तुम्हारा उत्तर गलत है। वो कैसे? आईना इधर लाओ। अब इसे इस गेंद के चित्र पर खींची गई रेखा पर रखो।
ओह, मैं तो सचमुच गलत था। कोई बात नहीं बाल, तुम अब की बार ठीक से सोच कर बताना। अब इस आकृति को देखकर बताओ कि क्या वह रेखा पर आईना रखने पर अपनी पूर्ण आकृति बनाएगी या नहीं। यह आकृति तो आईना रखने पर मिलेगी इसी के जैसे, लेकिन लेकिन उसकी रंगों में अंतर होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ आईना रखने पर यह कैसी दिखाई देगी। ओह, यह इस चित्र से अलग है। हाँ, बस आईने के सामने रखने पर इसका आकार भले ही समान दिखे, लेकिन रंगों के प्रयोग से इसमें अंतर आ जाता है। मेरी किताब के कवर पर छपे चित्र को देखते हैं। हाँ चीनू, अगर इसमें यहाँ पर आईना रखते हैं तो बनने वाली आकृति असली आकृति से अलग होगी। मैंने चीनू के लिए एक स्वेटर बनाया है, जरा देखूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। ओह, बहुत अच्छा। क्यों मीनू? हाँ दादी माँ, यह बहुत ही सुंदर है और यह डिजाइन भी अच्छा लग रहा है। दादी माँ के इस डिजाइन के बीच में यदि मैं रेखा खींच दूं और वहां आईना रख दूं, तो वह बिल्कुल वैसा ही डिजाइन बनेगा। अरे बस, तुम तो बहुत होशियार हो गए हो। पर दादी माँ, आपने मेरे लिए तो कभी स्वेटर बनाए नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी बनाऊंगी, बस छोटी सी सुंदर डिजाइन वाली। ठीक है बस। दादी माँ, दादी माँ, देखो उस आईने के सामने छोटी चिड़िया खेल रही है। हाँ मीनू, वह आईने में दिखने वाली को असली चिड़िया समझकर बातें कर रही है। सचमुच? ओ राजा, तुमने चिड़िया को उड़ा दिया। उसको आईने के सामने खेलते देखकर बड़ा मजा आ रहा था। कोई बात नहीं चीनू, मेरे पास एक चिड़िया का चित्र है, उसे आईने के सामने रखकर तुम सब खेलो। मीनू, वहां अलमारी से ले आओ तो जरा। अभी लाई दादी माँ। यह हमारी प्यारी चिड़िया और यह आई इस आईने के सामने। देखो बस, हमारी चिड़िया। ओह, ऐसे लग रहा है कि जैसे दोनों चिड़ियाएं एक दूसरे से बातें कर रही हों। हाँ देखो, दोनों बिल्कुल एक जैसी। अब मेरी चिड़िया दाना चुगेगी गर्दन नीचे करके, तो चीनू तुम्हारी आईने वाली चिड़िया क्या करेगी? मेरी चिड़िया भी दाना चुगेगी, उससे भी तो भूख लगी है। और मेरी चिड़िया तो मुड़कर बैठ गई। मीनू,
अगर तुम्हारी चिड़िया मुड़कर बैठ गई, तो चीनू की चिड़िया भी मुड़कर बैठ जाएगी। चलो अब हम इस खेल को दूसरी तरह से खेलते हैं। ठीक है, बहुत मजा आ रहा है। चीनू, मुझे आईने के सामने रखने पर चिड़िया की आकृति कुछ इस प्रकार दिखाई दे रही है, तो बताओ मैंने आईना कहाँ रखा है? ओह, दो मुंह वाली चिड़िया। अगर चिड़िया ऐसी दिखाई दे रही है तो आईना यहाँ रखा होगा, यहाँ इस रेखा के बीच। मैं इस चित्र पर आईना रख कर देखता हूँ। ओह, यह तो सचमुच जादू है। अच्छा, मैं तुमसे पूछता हूँ, आईने में देखने पर मुझे चिड़िया ऐसे दिख रही है, तो बताओ मैंने आईना कहाँ रखा है? मैं बताती हूँ। नहीं, मैं बताऊंगा, अब मेरी बारी है। इसमें आईना यहाँ रखा है। बिल्कुल ठीक। चीनू, उधर देखो, आईना हमारी माचिस की डिब्बियों के सामने रखा है, और वो उसमें कैसे दिखाई दे रही हैं? हाँ बस, ये तो अंग्रेजी अक्षर एल के आकार में रखी है, और देखो आईने में किसकी तरह दिखाई दे रही है। आईने को सरकाकर आगे करने पर ये कैसी दिखाई देगी? ये ऐसा दिखाई देगा। अगर माचिस की डिब्बियों की आकृति बिगाड़ दूं तो मैं पेंसिल से इसका चित्र बनाकर बताऊंगी। मैं आईना टेढ़ा रखूं तो? मैं फिर भी बता सकती हूँ।
तो फिर बताओ, यहाँ आईना रखने पर यह कैसा दिखाई देगा? ओ सच में जादू है। इसमें जादू की कोई बात नहीं है चीनू। तो फिर क्या है? आईने में ये विशेषता होती है कि उसके पीछे की आकृति तो छिप जाती है तथा उसके सामने की वस्तु ऐसी की ऐसी पीछे दिखाई देती है। ओह, तब तो यह बहुत ही आसान है। साथियों, आईना प्रयोग करते हुए हम अनेक खेल खेल सकते हैं। आप सब भी घर जाकर आईने में बनने वाली विचित्र और मजेदार आकृतियों का आनंद ले सकते हो। दोस्तों, समान दिखने वाली आकृतियों से हम विभिन्न प्रकार के खेल खेल सकते हैं। दादी माँ ने इस प्रकार का एक खेल हमें सिखाया था। अब मैं तुम्हें भी वह खेल सिखाऊंगा। ध्यान से मेरी बात सुनो। एक गत्ता लो, फुट्टा लेकर उसके बीच में एक रेखा खींचो। एक कागज पर एक व्यक्ति का चेहरा बनाओ कि उसका आधा भाग आईने की छवि के समान हो। उसके बीच से काट कर दो भाग करो। फिर इसके दोनों भागों को गत्ते के एक ही तरफ के आधे हिस्से में विपरीत भाग पर चिपकाओ। गत्ते के बीच की रेखा के ऊपरी सिरे पर छेद करके उस पर धागा बांधें। धागे को पकड़कर गत्ते को लटकाएं। गत्ते की दोनों तरफ आदमी के चेहरे के आधे आधे भाग होंगे। गत्ते को घुमाओ, तुम्हें पूरी आकृति दिखाई देगी। ये तो जादू ही है सचमुच। ऐसे ही अनेक जादू आप भी कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ खाने की कुछ वस्तुएं हैं। क्या आप इनके दो बराबर भाग करके चीनू और मीनू में बांट सकते हैं? रोटी,
चॉकलेट। पैटीज। केक। इडली। क्या आप इसे दूसरे तरीके से भी दो बराबर भाग में बांट सकते हैं? रोटी। चॉकलेट। पैटीज। केक। समोसा। इडली। इसे किसी और तरीके से भी दो बराबर भाग में बांट सकते हैं? रोटी। चॉकलेट। पैटीज।
केक। इडली। आईने में चीजें कैसी दिखती हैं? चलो पता लगाने में तोते की मदद करें। चीनू आईने के सामने खड़ा है। उसके दाएं हाथ में फूल है, तो आईने में फूल उसके कौन से हाथ में होगा? बाएं हाथ में। मास्टर जी के जेब में पेन बाई तरफ है, आईने में किस तरफ होगा? दाई तरफ। चीनू ने अपना दाया हाथ उठाया, आईने में चीनू का कौन सा हाथ उठेगा? पाया हाथ। मीनू ने अपनी दाईं तरफ की चोटी पकड़ी है, आईने में वह किस तरफ की चोटी पकड़ेगी? बाएं तरफ। छोटा बंदर अपनी माँ के दाहिने कंधे पर बैठा है, आईने में वह कौन से कंधे पर बैठा होगा? बाएं कंधे पर। दोस्तों, पक्षी यह नहीं जानता कि इनमें से कौन सी आकृतियां रेखा के स्थान से मोड़ने पर एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगी। क्या आप ऊंचे स्वर में जवाब बताकर पक्षी की मदद करोगे? एक दूसरे को पूरा पूरा नहीं ढकेगी। एक दूसरे को पूरा पूरा नहीं ढकेगी। एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगी। एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगी। एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगी। एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगी।
एक दूसरे को पूरा पूरा नहीं ढकेगी। एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगी। इन चित्रों के आगे आईना रखने पर पूरा चित्र कैसा दिखाई देगा? इस वर्ण पर रेखा के स्थान पर आईना रखने पर कैसा दिखाई देगा? दोस्तों, इन प्रतिबिंबों को ध्यान से देखो। अब अनुमान लगाओ कि इन प्रतिबिंबों को आने के लिए दी हुई तस्वीर में आईना कहाँ रखना होगा। दोस्तों, अब एक मजेदार बात करें। आप मुझे ये बताओ कि अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जो आईने के सामने रखने पर आईने में भी वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे वे हैं।
ध्यान से सोचोगे तो बहुत आसान है। ओ ए यू M H अब आप मुझे ये बताओ कि अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जो आईने के सामने रखने पर आईने में वैसे नहीं दिखाई देते हैं जैसे वे हैं। ध्यान से सोचोगे तो बहुत आसान है। एफ जी पी क्या हिंदी वर्णमाला में भी इस प्रकार के वर्ण हैं जो आईने में उसी प्रकार की छवि बनाते हैं? तुम खुद भी सोचो दोस्तों, और अपने मित्रों व शिक्षकों से भी इस विषय पर बात करके देखो। अलविदा।